हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से एनालिसिस करने वाले। कल का एनालिसिस जिस तरीके से हमने किया था, हमको पता था कि हमने रेंज बनाई है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम काफ़ी सारा एनालिसिस कंटिन्यू हुआ था। यहाँ भी आपको पता था कि यार निफ्टी के अंदर क्या है कि इवन दो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है निफ्टी की, हमने कहा था कि यार आपको क्या देखना है कि यहाँ पे 100 का लेवल काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि यहाँ पे आपका रीटेस्ट हो सकता है। और उसके बाद हमने रेंज का बॉटम ड्रॉ किया था 900-920 के आसपास, जिससे हमारे को दिख रहा था कि यहाँ से एक मार्केट में स्विंग आ सकता है। तो यूजुअली आप ध्यान से देखोगे आज हुआ क्या मार्केट में, वही हुआ एग्जैक्टली। एक आपको सुबह ट्रेड मिली है यहाँ पे रीटेस्ट की, एक आपको सुबह मिली है एज वेल एज जोन की, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे को क्या लग रही है यहाँ पे कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। बैंक निफ्टी पहले खोलते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। निफ्टी तो अंदर ठीक है कि पता था कि यार इस रेंज के अंदर करोगे स्ट्रैंगल भी कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आज आई है ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग, इवन दो यहाँ पे गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद हमारी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि डायरेक्टली ये चीज़ ऊपर चली गई और यहाँ पे ऊपर से सेलिंग आई। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आज की जो डेली कैंडल बनी है उसके अंदर आपके सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज बायर्स की पावर क्या है, बायर्स की पावर सिर्फ वही है जहाँ तक ये कैंडल ओपन हुई है और जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। तो बेसिकली ये वाली रेंज, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ये पूरी की पूरी विक बनी ऊपर से, आपको ये देख के समझ आता है कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये विक इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि आप ये देख सकते हो कि इसने क्या किया है, इस विक ने प्रीवियस वाली जो ये अपनी कैंडल बनी थी थोड़ी सी लॉन्ग टेल डोजी जो बनी है उसका इसने हाई भी ब्रेक किया, और हाई कहाँ पे ब्रेक किया, बिल्कुल सुबह सुबह ही यहाँ पे मोमेंटम में बड़े मज़े में इसने यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे फिर सेलिंग आई थी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आपको देखने वाली क्या है कि अगर मैं नीचे से बिल्कुल ट्रेंड लाइन बनाने की ट्राई करूँगा इस टाइप की, तो आपको देखेगा कि बिल्कुल एक बिल्कुल जिससे कहते हो ना ब्रेकिंग पॉइंट वाला जो मेक और ब्रेक वाला लेवल है उस पर बैठी हुई इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा रोल होगा आपका कल जो गैप अप और गैप डाउन होगा बैंक निफ्टी इसके अंदर, क्योंकि कल एक्सपायरी भी ऑब्वियसली। तो अगर यहाँ पे गैप अप होता है थोड़ा सा, आपको पता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर एक मूव कंटिन्यू कर सकता है, या थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट भी हो सकता है इन केस मार्केट आपकी थोड़ी सी 200-300 पॉइंट की गैप अप खुलती है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है कि यहाँ पे आपका एक नया टाइप का जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, जो आपको मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे रेक्टेंगल निकाल के टॉप वाली विक से मार्क करो बिल्कुल ही टॉप क्लोजिंग तक। ये आपका एक रिजेक्शन का एरिया काफ़ी अच्छा बना हुआ है। छोटा सा इसमें देखोगे आपको तो क्या दिखेगा, ये आपका छोटा सा एक अच्छा खासा असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा था इसके पोर्शन का, और असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट इस पोर्शन पे हुआ था। हमने बताया था कि यार ये चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर इसने रेंज बनाई है। रेंज भी देखो टॉप कहाँ से कर रही है, टॉप इस वाले लेवल पे जो अच्छी खासी सेलिंग आई थी, ये चीज़ है। तो जब तक ये चीज़ ब्रेक नहीं होगी ऊपर की साइड पे, बेसिकली आपका जो 52,000 का जो जोन हमारा बना हुआ है जो हमने अभी बनाया है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे आप अपसाइड एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज यहाँ पे अच्छी खासी बहुत एरिया है जहाँ पे आपको सेलिंग मिल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके अंदर खुलता है तो आपको बिल्कुल कॉशियसली वेट करना है कि आप फर्स्ट हाफ में स्ट्रैंगल स्ट्रैडल चला रहे हो, बट आपको यू नो बहुत कॉशियसली देखना है कि एक बड़ी कैंडल आएगी जो या तो आपका ऊपर की साइड ब्रेक करेगी या आपका नीचे की साइड ब्रेक करेगी, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ बहुत आराम से ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है, आप ये भी देख सकते हो कि अगर मैं छोटे वाले एरिया के अंदर जाऊँगा, इसमें फोकस करूँगा, तो मेरा दूसरा एनालिसिस क्या निकलता है। दूसरा एनालिसिस मेरा इस तरीके से निकलता है कि अगर मैं इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो मेरे को पता है कि एंड में जाके मेरा इसका ब्रेकडाउन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ये भी कर सकती है आप ये फ्लैट खुल जाए, ठीक है। अगर फ्लैट खुलती है और अगर ज़रा सी नीचे खुलती है उस केस में आपको पता है कि आपका शॉर्ट कब जाएगा, 51,700 का जो लेवल है इसके नीचे जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने दो बार बहुत मेजर सपोर्ट लिया। तो जब तक ये वाला लेवल ब्रीच नहीं होगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हम 51,700 क्यों फोकस कर रहे हैं, इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में आप देखोगे मेजर मेजर एक स्विंग्स कहाँ से बने, मेजर स्विंग्स आपके इन एरिया से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एक मेजर स्विंग है और ये वाला एक मेजर स्विंग है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना है तो उसको ये वाले स्विंग्स तो ब्रेक करने हैं, इसने अभी तक ये वाला स्विंग भी ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में अभी नहीं आई है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। 51,700 के नीचे ही आप प्रेफरेबली शॉर्ट करो इस रेंज के अंदर। अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है और यहाँ पे नीचे से सपोर्ट लेती है तो बेसिकली आप थोड़ा सा स्ट्रैंगल के अंदर भी फोकस कर सकते हो, थोड़ा सा इस साइड से भी बाइंग के अंदर जा सकते हो कि अगर ये चीज़ ब्रेक नहीं होती और आपको बुलिश कैंडल यहाँ पे बड़े आराम से मिलती है बैंक निफ्टी कल के लिए, ठीक है। बट इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे इस पोर्शन में अगर मेरे को बुलिश कैंडल मिलेगी, मेरे को यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ कि अगर मैं टॉप से इस तरीके का ड्रॉ करूँगा, बहुत छोटा है कि अगर गैप डाउन यहाँ पे खुल जाता तो मेरा हो सकता है फर्स्ट हाफ के अंदर ही यहाँ पे 12-12:30 के आसपास तक का यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट आ जाए, जिससे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूएशन करके अगर ट्रेंड लाइन टूटी हुई है तो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे आपको लगेगा छोटा सा मोमेंटम आ रहा है, बट वो मोमेंटम बेसिकली टॉप पे जाके एक रीटेस्ट बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे इसने इस बार ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी है और उसके बाद यहाँ पे इसका टॉप का सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे अगर अपसाइड का मोमेंटम आता है, आपको पता है 52,000 तक का मैक्स टारगेट है, उससे ऊपर आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना। जब तक 52,000 ब्रेकआउट नहीं होता यहाँ पे, तब तक आप लॉन्ग यहाँ पे बड़े आराम से नहीं जाओगे। तो आपको ये वाली चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कल की एक्सपायरी में जाने से पहले, ठीक है। विद दैट नोट आई एंड द वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।